लेके जा रहा हूँ। 3 दिन तक यही रहेंगे जब तक मतदान होगा। ये पूरे इलाके के अंदर मदद करेंगे, भारी वोटों से मार देंगे। अगर 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 पप्पू खिलजी को इसके लोगों ने वोट दे दिया, समझ गए, आजाद साहब के लोग वोट दे देंगे इनके सारे, और मेरे सारे लोग वोट, कितने वोट होते हैं पता है? 1 लाख वोट होते हैं, पढ़ते हैं 1 लाख दे देंगे। क्या क्या कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, वोट किधर जा रहे हैं बताओ तो सही। मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से आह्वान करूंगा कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है, और कांग्रेस ने भी ज्यादा न्याय नहीं किया आपको। बरकतुल्ला खान जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय हमारे समाज का बड़ा सहयोग था, आधे लोग साथ थे, कल मुकम मंत्रालय देके आपको रोज राजी करते हैं। हमारे जो हमारे पोखरण से भी आपके मंत्री हैं, उनके पास कौन सा मंत्रालय? वक्फ मंत्रालय। 1 मंत्रालय आपको दे देते हैं, आपको राजी करते हैं। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। जो दोनों योद्धा आपके सामने खड़ा है, मान मेरीवाल चंद्रशेखर आजाद, वो देश किसान की लड़ाई लड़ेंगे, कमेरे की लड़ाई लड़ेंगे, जवान की लड़ाई लड़ेंगे, प्रदेश किसी माँ बहन दरिंदगी का शिकार नहीं होगी। माता बहन हमारी छोटी बहन है, रात को 12 बजे सड़क पर निकलेगी, मजा ले तो सामने देख ले। गहलोत के गुंडे, वसुंधरा के गुंडे, मोदी के गुंडे सड़कों से भाग जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पड़ोसी की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे, पीने के पानी की समस्या, यहाँ का साल की व्यवस्थाएं, उसे जितनी भी समस्या है आप पप्पू खिलजी को जिताएं। इनके गारंटर के तौर पर मैं और चंद्रशेखर आजाद आपके बीच आए, क्योंकि मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि 3-4 सभाएं और करनी है, और ये हेलीकॉप्टर रात को उड़ता नहीं, फिर हमें रोड से जाना पड़ता है, हर कोई कहता है हेलीकॉप्टर लेके आओ। प्रयास करते हैं भाइयों, देश में जब किसानों का आवश्यकता पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे कोई लड़ा, वो आपका भाई है जिन्हें 3 एकड़ से वापिस किया, सेना को ठेके में दिया, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया और अग्निपथ का विरोध किया। जब पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी, वो तो हनुमान बेनीवाल देश की पहलवान बेटियों को न्याय देने उनके बीच गया, लोकसभा के अंदर भी बाहुबली के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका चालान कराया। प्रदेश के अंदर चाहे मुसलमान को आवश्यकता पड़ी, किसान को पड़ी, जवान को पड़ी, मेघवाल को पड़ी, हर जगह मुझे लड़ता हुआ देखा। आपने देखा है कि आपकी लड़ाई सच्चे मायने में किसी ने लड़ी है, किस नेता ने लड़ी है, इसके साथ लड़ने से आपको लगता है नेता नहीं है, हमारा भाई है। मेरा लगता ही विधानसभा क्षेत्र क्यों सर है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कितना विकास वहाँ पे किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ पड़ोसी को आगे लेके चलेंगे, पेपर लीक की घटनाएं नहीं होगी, बद्री माफिया का आतंक खत्म करेंगे, हर हाथ को रोजगार होगा और कर्ज मुक्त किसान होगा। उठो मेरा साथ दो, बोतल का चुनाव चिन्ह और आजाद समाज पार्टी के भाई मेरे साथ हैं, एक नारा लगाएं, जय भीम, जय तेजा जी, जय राम साहब भीम। अब हम छोड़ेंगे, एक आरएलपी जो मुझे मानते हैं पड़ोसी के अंदर, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हो, मुझे जो मानते हो वो ये सोच लो कि हनुमान बेनीवाल पड़ोसी से चुनाव लड़ रहा है, और जो चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं वो तय कर ले कि पड़ोसी से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पप्पू खिलजी को मानते हैं वो एक तय कर ले ये लड़ रहे हैं। तीनों को तो पसंद करोगे एक साथ, चिन्ह बोतल का है, तीनों साथ है। मैं आजाद जी को धन्यवाद दूंगा कि मोदी की जो केतली थी चाय चाय करता था, वो ये धीरे से ले आई केतली पर। मोदी भाइयों अगले वक्त तक मैं आमंत्रित करूंगा चंद्रशेखर जी आजाद। पड़ोसी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी पप्पू खिलजी जी, ये सोच रहा मुझे नाम बताना पड़ेगा मेरा, इसका काफी पुराना जो है रिश्ता है। मैं पोखरण बहुत पहले आया था, 4 साल पहले रावतसर से सीधे पोखरण सभा करने के लिए, पूरे रास्ते
गर्मियों के दिन थे, कड़ी धूप, और जो सभा हुई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान पप्पू का था। तब तो हम अलग अलग थे, फिर भी ये मेरे सम्मान में मुझे प्यार और मुझे जो है सहयोग करने के लिए आए। आज मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने भाई के हाथों को मजबूत करूं। देखो मेरी बात पे जरा सा गौर कर लो। लोकतंत्र है, आपके पास वोट का अधिकार है, आपकी वोट को अपने पाले में लेने के लिए तरह तरह की बातें आपको बता के लोग गुमराह करने के लिए आए। मैं तो पहली बार आया हूँ आपके बीच वोट मांगने के लिए। आया क्या आपसे पहले? लेकिन आप, मैं लड़ता तो सभी के लिए। इतनी घटनाएं, अभी मेरे हाथ में एक पर्ची दी, कहा भैया ये देखो एक घटना हुई है, राहुल जिनगर जो है उसकी हत्या की गई। एक थोड़ा ये राहुल, ओम प्रकाश रैगर, जितेंद्र मेघवाल मुंह से रखी हत्या कर दी, इंद्र मेघवाल मटकी छूटी हत्या कर दी, कार्तिक भीम अपने स्वाभिमान के लड़ा हत्या कर दी, पूरन रैगर, कोजा भीम, तमाम तरह से रोज इतनी बार में आया यहाँ, इतनी बार आया, और हर बार आया किसलिए कि कहीं भी अन्याय हुआ उनकी आवाज उठा।